नमस्कार साथियों, मैं बीडी चारण अर्जुन क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, पिछली दो क्लासों में आपने देखा हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक तीज त्योहार और मेले पर बात कर रहे हैं, उसका आज तीसरा भाग लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज हम आगे बात करते हैं। पिछली क्लास में जहां हमने टॉपिक छोड़ा था, भाद्र महीने में हम त्योहार पढ़ रहे थे। भाद्र महीने में जो है हमने कृष्ण पक्ष को पढ़ लिया था और शुक्ल पक्ष हमने प्रारंभ किया था, तो आज हम उससे आगे बात करते हैं। तीज त्योहार और मेले जो है उसका तीसरा टॉपिक है और भाद्र महीने के त्योहार आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं। भाद्र में हमने जो छोड़ा था वो टॉपिक हमने लास्ट लिया था बाबेरी बीच। हमने एक मैंने आपको एक लाइन बताई थी, उस लाइन के हिसाब से अगर आपने याद की है तो मैं वापिस बताऊं आपको कि भाद्र में कजली हल से जन्मा गोगा बच सतिया बाबेरी, हर गणेश ऋषि हैं तो राधा तेजा और देव झूले अनंत। ये दो लाइनें जो बनाई मैंने, इसमें भाद्र महीने के सभी त्योहार जो है इसमें आ गए थे। इस लाइन की सहायता से क्या हमें जो है ये त्योहार याद कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमको ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा त्योहार जो है किस महीने में आता है। तो हमने कृष्ण पक्ष के त्योहारों को पढ़ लिया था और आज हम शुक्ल पक्ष के त्योहारों को पढ़ते हैं। तो शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार वैसे हमने पढ़ लिया था, हम वापिस देख लेते हैं। पहला त्योहार हमने जो शुक्ल पक्ष में पढ़ा था वो था बाबेरी बीच। कौन सा था? बाबेरी बीच। बाबेरी बीज, बीज मतलब द्वितीया, बीज का मतलब क्या होता है? द्वितीया। वैसे हम राजस्थानी भाषा में कहे तो एकम दूज या बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नम, दसम, ग्यारस, बारस, तेरस और चौदस होता है। लेकिन इसमें संस्कृत होता है एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद में अमावस्या और पूर्णिमा। तो यहाँ पर जो है बाबेरी बीज का त्योहार है। बाबेरी बीज देखिए, यहाँ पर जो है बाबा जो हम मानते हैं, बाबा जी कौन से हैं? ये बाबा जी हैं रामदेव जी। कौन से हैं? रामदेव जी। हमने बात की थी बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, वो बाबेरी बीज के दिन हुआ था और ये तिथि है आपके भाद्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल दूज, भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाबा रामदेव जी के बारे में हम लोक देवताओं में विस्तार से बात करेंगे। इनको अवतारी लोक देवता कहा जाता है और कृष्ण का अवतार माना जाता है। अजमाल जी और मैणा दे के यहाँ ऊंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन। इसलिए इस भाद्र शुक्ल द्वितीया को जो है वो बाबे की बीज कहा जाता है। और बाबे की बीज, बाबा रामदेव जी का जन्म जो है वो बीज के दिन हुआ था और बाबा रामदेव जी ने जो है भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन जो है वो क्या किया था, समाधि ले ली थी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत हिंदू धर्म में जो है या हिंदू वर्ष में जो है भाद्र महीना एक पवित्र महीना माना जाता है, इसको बड़ा महीना भी कहते हैं। जिस प्रकार मुस्लिमों में हम बात करेंगे रमजान का महीना जो है वो सबसे पवित्र माना जाता है, हमारे यहाँ इसमें जो भाद्र में जो है वो सबसे बड़ा महीना और सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर, और मैंने बात की इनकी समाधि तिथि तक, मतलब इन्होंने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल ग्यारस, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, इसको देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं भाद्र शुक्ल ग्यारस को। तो इस दिन इन्होंने क्या किया था, समाधि ली थी, समाधि। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर और भाद्र शुक्ल ग्यारस तक जो है बाबा रामदेव जी का जो है मेला भी भरा जाता है। कहां भरा जाता है? बाबा रामदेव जी का प्रमुख जो मंदिर है वो है रामदेवरा। कहां पे है? रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का मंदिर है और यहां पर जो है इनका मुख्य मेला भरा जाता है। और मैंने कल बात की थी कि यह मेला जो है सांप्रदायिक, यह मेला सांप्रदायिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला है वो मेला कौन सा है? तो हम कहेंगे बाबा रामदेव जी का मेला, जो रामदेवरा। रामदेवरा कहां पे है? ये मेला भरा जाता है रामदेवरा। रामदेवरा आपके जो है वो है पोकरण में, पोकरण तहसील, पोकरण तहसील है आपके जैसलमेर में, जैसलमेर। ये हम बात आगे करेंगे इस पोकरण के बारे में, बाबा रामदेव जी के मंदिर के बारे में लोक देवताओं के टॉपिक में। तो यहाँ पे हमने देखा कि रामदेव जी का मेला भरा जाता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर और भाद्र शुक्ल
एकादशी तक, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव राम में जो मेला भरा जाता है वो सांप्रदायिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कल हमने पढ़ा था भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी जिसको हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि भाद्र महीने में ही सांप्रदायिक दृष्टि से भरे जाने वाला सबसे बड़ा मेला और दूसरे नंबर का मेला, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सांप्रदायिक दृष्टि से जो बड़े मेले हैं वो किस महीने में भरे जाते हैं, भाद्रवे में। सबसे बड़ा मेला भरा जाता है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होकर 11 तक चलता है, और दूसरा बड़ा मेला जो है हजरत शक्कर बाबा पीर का मेला जो हमने कल बात की थी जो भरा जाता है चिड़ावा झुंझुनू में। तो ये बाबेरी बीज है, बाबा रामदेव जी के जन्म दिवस के रूप में बाबेरी बीज का त्योहार मनाया जाता है। हम आगे बात करते हैं इसमें बाबेरी बीज के बाद में अगला जो त्योहार है वो है आपके हरतालिका तीज। कौन सा है? हरतालिका तीज। बाबेरी बीज के बाद में अगला त्योहार लेते हैं हरतालिका, हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज कब होती है? तो हम लिखेंगे भाद्र, भाद्र के बाद में शुक्ल और तीज का मतलब तृतीया। भाद्र शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाते हैं। देखिए हर का मतलब होता है हर हर महादेव, आपने सुना होगा, मतलब महादेव जी, शंकर से महादेव जी। तो इस दिन क्या करते हैं? भगवान महादेव मतलब भगवान शंकर की जो है पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं। तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर की और पार्वती की पूजा करते हैं। बस इतना याद रखना, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये ध्यान रखना। पूछेंगे तो आपको यूं ही पूछेगा कि हरतालिका तीज कब मनाई जाती है, तो हरतालिका तीज होती है भाद्र शुक्ल तृतीया। भाद्र शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज, और कल हमने पढ़ा था भाद्र कृष्ण तृतीया। भाद्र कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया था कल हमने? भाद्र कृष्ण तृतीया को हमने मनाया था, इंपोर्टेंट था ध्यान रखना, कजली तीज। कौन सा? कजली तीज, जिसको बड़ी तीज, बुढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये सब हमने कल बात की थी। तो भाद्रवे में ध्यान रखना दो तीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कजली तीज, बुढ़ी तीज, बड़ी तीज या सत्तुड़ी तीज, जो कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाते हैं भाद्रवे में, और जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं वो है आपके हरतालिका तीज, भगवान शिव से संबंधित यह तीज है। अगला जो त्योहार है वो है आपके हरतालिका तीज के बाद में अगला त्योहार आता है गणेश चतुर्थी। कौन सा त्योहार आता है? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश जी, गणेश जी का जो है वो जन्मदिन मनाते हैं, गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्म दिवस मनाते हैं। इस दिन गणेश जन्म दिवस मनाते हैं, गणेश चतुर्थी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं? गणेश जी का जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस। यूं भी ध्यान रख सकते हो गणेश चतुर्थी मतलब गणेश चतुर्थी मतलब भाद्र शुक्ल और चौथ, भाद्र शुक्ल चौथ को जो है गणेश जी का जन्म दिवस मनाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो हमने इससे पहले जो त्योहार पढ़ा था वो था आपके हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। मैं बार बार इसलिए सभी रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो याद हो जाए, क्योंकि अपना यहाँ जो मकसद है हमारा वो ये है कि आपको याद हो, कंठस्थ हो, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन आए उसको आप कर सको। जल्दबाजी अपने पास है नहीं, क्योंकि हम अपना सबका मकसद यही है कि आप याद करो और आप जो है सफलता प्राप्त करो, कोर्स कराने की जल्दी अपने है नहीं। तो हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी वापिस इसलिए लिखी है क्योंकि हर का मतलब मैंने बताया महादेव, महादेव भगवान शंकर। तो एक दिन पहले भगवान शंकर पिता की पूजा करते हैं और उसके अगले दिन गणेश चतुर्थी को जो है शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी का जो है इस दिन क्या मनाते हैं? जन्म दिवस मनाते हैं। अब देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूं गणेश चतुर्थी के दिन कुछ मेले भरे जाते हैं, क्योंकि गणेश जी के मंदिर जो है हमारे राजस्थान में बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग नाम से गणेश जी जाने जाते हैं। तो कुछ मेले जो है यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन जो भरे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पहला मेला हम बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मेले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो साथ में याद रखने हैं। ज्यादातर मेलों में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां भरे जाते हैं ये ज्यादा पूछते हैं,
ये बहुत कम पूछते, कुछ कुछ मेले इंपोर्टेंट है जिनके बारे में ये पूछते हैं कि कब भरे जाते हैं, बाकी ज्यादातर मेले जो आपको याद रखने हैं कि कहां भरे जाते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि गणेश त्रिनेत्र गणेश कहां है, त्रिनेत्र गणेश कहां है, हरम्भ गणेश कहां है, ठीक है, बोहरा गणेश कहां है, पंच गणेश कहां है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। त्रिनेत्र गणेश मेला आपके भरा जाता है रणथंभौर, कहां भरा जाता है, रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में भरा जाता है। दूसरा मेला आप ध्यान रखना, हरम्भ गणेश मेला, हरम्भ गणेश मेला, हरम्भ गणेश मेला कहां भरा जाता है, तो हम बात कर देंगे हरम्भ गणेश आपके हैं बीकानेर, कहां पे हैं, बीकानेर, हरम्भ गणेश मेला बीकानेर। ध्यान रखना हरम्भ गणेश की विशेषता क्या है, तो हरम्भ गणेश की विशेषता जो है ये है कि यहां पर गणेश जी की जो मूर्ति है वो किस पर है, सिंह पर सवार, क्या है, सिंह पर सवार, सिंह पर सवार गणेश मूर्ति लगी हुई है, सिंह पर सवार गणेश मूर्ति, गणेश मूर्ति है, इसलिए इसको हरम्भ गणेश कहा जाता है। और यहाँ विशेषता ये है कि यहाँ गणेश जी जो है वो सिंह पर सवार जो है दर्शाए गए हैं, सिंह पर सवार बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति। बाकी गणेश जी आपको पता है गणेश जी किस पे विराजमान होते हैं, गणेश जी का जो वाहन है वो क्या है, मूषक है, चूहा है, लेकिन यहाँ गणेश जी जो है वो सिंह के ऊपर बैठे हैं। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि सिंह पर गणेश कहाँ पे विराजमान है, तो ध्यान रखना गणेश जी जो है वो चूहे पर विराजमान होते हैं, लेकिन संसार पूरे संसार में एक मंदिर ऐसा है जहां चूहों का मंदिर बना हुआ है, तो आपको ध्यान में आप याद दिला दूं चूहों का मंदिर कहाँ पे है, चूहों का मंदिर है आपके बीकानेर में, बीकानेर में भी देशनोक, देशनोक बीकानेर में जो है वो चूहू का मंदिर, करणी माता का मंदिर बना हुआ है। तो ध्यान रखना कि जब गणेश जी बीकानेर गए, ऐसे इस तरह के याद कर सकते हो, बीकानेर गए तो गणेश जी का चूहा जो है वो अपने भाइयों चूहों से मिलने चला गया, और गणेश जी जो है वो करणी माता देवी का जो वाहन होता है वो सिंह होता है, तो गणेश जी किस पे विराजमान हो गए, गणेश जी सिंह पे विराजमान हो गए। तो ये थे आपके हरम्भ गणेश, हरम्भ गणेश मेला भरा जाता है बीकानेर में, विशेषता सिंह पर सवार गणेश मूर्ति। तीसरा जो है वो है आपके पंच गणेश, पंच गणेश, पंच गणेश कहां पे हैं, पंच गणेश मेला, तो हम कहेंगे पंच गणेश मेला जो है वो कहां भरा जाता है, पंच गणेश मेला जो भरा जाता है वो भरा जाता है आपके किराड़ू, कहां पे भरा जाता है, किराड़ू, किराड़ू कहां पे हैं, आप सभी को पता है किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू कहां पे है, बाड़मेर। किराड़ू से संबंधित एक क्वेश्चन और आपको पूछते हैं, किराड़ू जो है इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू को कहा जाता है, किराड़ू बाड़मेर में है। राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है वो भंड देवरा बारा में स्थित है। वैसे खजुराहो जो है वो एमपी में है, जहां मारू गुर्जर शैली की जो मूर्तियां बनी हुई हैं उसी शैली में यहां पर भी जो मंदिर और मूर्तियां बनी हुई हैं, इसीलिए इस किराड़ू को जो है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और किराड़ू में गणेश जी किस नाम से जाने जाते हैं, पंच गणेश, पंच गणेश के नाम से ये जाने जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अगले गणेश जी की। ये गणेश जी तो हो गए आपके हरम्भ गणेश, त्रिनेत्र गणेश, पंच गणेश, इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ गणेश जी और हैं। एक गणेश जी जो है उनका नाम है आप बोहरा गणेश, क्या नाम है, बोहरा गणेश। तो बोहरा गणेश मेला या बोहरा गणेश कहाँ पे हैं, तो हम बात करेंगे उदयपुर, बोहरा गणेश कहाँ पे है, उदयपुर। तो बोहरा गणेश मेला जो है वो उदयपुर में लगता है, राज सिंह के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इससे आगे हम बात करें बोहरा गणेश के बाद में बाजना गणेश, बाजना गणेश, बाजना गणेश जो है वो है आपके सिरोही में, कहां पे है, सिरोही में, बाजना गणेश सिरोही, सिरोही में गणेश जी का मंदिर है जिन्हें बाजना गणेश कहा जाता है। बाजना गणेश के बाद में अगर हम बात करें तो नृत्य गणेश, नृत्य गणेश, नृत्य गणेश, नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा स्थित है, और ये है नृत्य गणेश जो है ये है आपके पारानगर, पारानगर, पारानगर आपके कहां पे हैं, अलवर में, पारानगर कहां पे हैं, अलवर में, नृत्य गणेश पारानगर अलवर में, ठीक है। तो ये कुछ गणेश जी के जो मेले हैं वो इस दिन भरे जाते हैं। एक मेला और भरा जाता है, इंपोर्टेंट भी है, ध्यान रखना,
ये है चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला। ये चुंगी तीर्थ मेला कहां भरा जाता है तो हम कहेंगे जैसलमेर में। कहां भरा जाता है? जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला। यहां गणेश जी का मंदिर है इसलिए इनको चुंगी तीर्थ गणेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ मेले जो हैं वो गणेश जी से संबंधित थे। ये सभी मेले कब भरे जाएंगे? गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी का त्योहार आप सबको पता है हम मनाते हैं। इस दिन क्या करते हैं? गणेश जी की जो मूर्ति है वो हम बाजार से ले आते हैं, मार्केट से, और घर में स्थापित करते हैं। और गणेश चतुर्थी से लेकर और 14 तक, भाद्र शुक्ल चौदस जिनको हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी तक जो है हम इनकी पूजा करते हैं, और 14 के दिन गणेश जी का बड़े धूमधाम से जो है विसर्जन करते हैं। तो ये त्योहार हमारा था गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बाद में हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला त्योहार जो है वो है आपके गणेश चतुर्थी के बाद में हमने अगली बात की थी भाद्रवे में जो अगला त्योहार आता है वो है आपके ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार है आप उस लाइन में देख लीजिए, हर गणेश ऋषि हैं। हर गणेश क्या है? ऋषि है। तो अगला त्योहार आपके हो जाएगा ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, अब पंचमी है तो हमको पता है ये त्योहार हम कब मनाएंगे, तो हो जाएगा भाद्र शुक्ल पांचम। भाद्र शुक्ल पांचम नाम से पता चलता है ऋषि हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे इस दिन जो है वो ऋषियों की पूजा करेंगे, संत जो मुनि हैं उनकी पूजा करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं। ऋषि मुनियों की इस दिन क्या करते हैं? पूजा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखनी है, बात ये है कि इस दिन जो है माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज जैन धर्म के ये समाज है, माहेश्वरी लोग जैनों में आते हैं। माहेश्वरी समाज के जो लोग हैं वो इस दिन जो है भाई बहन के प्रेम संबंधी त्योहार मनाते हैं, और भाई बहन के प्रेम संबंधी जो त्योहार है उसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? रक्षाबंधन। इसलिए माहेश्वरी समाज के जो लोग हैं वो इस दिन क्या करते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन। ये कई बार पूछा गया है माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन कब मनाते हैं, तो उत्तर होगा ऋषि पंचमी अर्थात भाद्र शुक्ल पंचमी को जो है ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो वैसे अपन आगे पढ़ेंगे जैन धर्म के कुछ त्योहार पढ़ेंगे, तो उस जैन धर्म के लिए जो भाद्र महीना है वो सबसे बड़ा महीना है, और जैनों का सबसे बड़ा पर्व जिसको हम कहते हैं पर्युषण महापर्व वो भी भाद्रवे में ही मनाया जाता है, तो वहां पर हम बात करेंगे। तो ऋषि पंचमी, ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है, और माहेश्वरी समाज के जो लोग हैं वो इस दिन क्या करते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। अब अगला त्योहार जो है वो है ऋषि पंचमी के बाद में है हर गणेश ऋषि हैं तो राधा, अगला त्योहार हो जाएगा राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कौन सा त्योहार हो जाएगा? राधा अष्टमी। अब राधा अष्टमी, राधा से नाम से पता है तो ये कब हो जाएगा? भाद्र शुक्ल अष्टम। भाद्र शुक्ल अष्टम। यहां एक बात और बता दूं कि राधा और कृष्ण इन दोनों का नाम एक साथ आपने सुना होगा, ठीक है, और राधा और कृष्ण की पूजा भी की जाती है, राधा जी और कृष्ण में जो है वो प्रेम था। तो यहां बात ध्यान देने वाली ये बात है कि कृष्ण का जन्म जो हुआ वो भी भाद्र में ही हुआ, भाद्र की कृष्ण पक्ष की अठम को। तो यहां मैं लिख देता हूं कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये हो जाएगा भाद्र कृष्ण अठम। देखिए राधा और कृष्ण इन दोनों का ही जन्म जो है वो भाद्र महीने की आठम को हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि कृष्ण का जन्म जो है वो कृष्ण पक्ष में हुआ और राधा का जन्म जो है वो शुक्ल पक्ष में हुआ। एक गाना है ना आपने सुना होगा यशुमती मैया से बोले नंद लाला कि राधा क्यों गोरी और कृष्ण मैं क्यों काला।
तो कृष्ण क्यों काले हैं? तो मां कहती है कि तेरा जन्म जो है वो कृष्ण पक्ष में हुआ इसलिए तू काला हो गया, और राधा का जन्म जो है वो उजले पक्ष में शुक्ल पक्ष में हुआ इसलिए वो गोरी है। तो ध्यान रखना, राधा और कृष्ण दोनों का ही जन्म दिवस जो है वो भाद्रव्य में मनाते हैं, और भाद्रव्य में भी आठम को मनाते हैं। कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में, नाम कृष्ण, पक्ष कृष्ण, और राधा का जन्म जो है वो हम मनाते हैं शुक्ल पक्ष में। तो राधा का जन्म, देखिए राधा को जो है वो कृष्ण की पत्नी नहीं माना जाता है, ये बात आप सबको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, इन दोनों में अटूट प्रेम जरूर था, और प्रेम के कारण ही कृष्ण के साथ जो है वो राधा का नाम लिया जाता है, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन राजस्थान में हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे, एक संप्रदाय ऐसा है जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर और उन दोनों की युगल रूप से या साथ में जो है जोड़े में उनकी पूजा की जाती है, और वो संप्रदाय आपके हैं निंबार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निंबार्क संप्रदाय, अपन आगे बात करेंगे, निंबकाचार्य द्वारा चलाया गया एक संप्रदाय है निंबार्क संप्रदाय। तो निंबार्क संप्रदाय के लोग जो है राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। तो राधा अष्टमी के दिन निंबार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ राजस्थान में है वो है सलेमाबाद, सलेमाबाद है अजमेर में। तो सलेमाबाद अजमेर में निंबार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वहां पर जो है इस दिन राधा अष्टमी का एक मेला भरा जाता है। तो हम लिख सकते हैं राधा अष्टमी मेला, राधा अष्टमी मेला, राधा अष्टमी मेला कहां कब कहां भरा जाता है? तो हम लिखेंगे सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पे है? अजमेर। सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर में राधा अष्टमी का मेला भरा जाता है। और अगर पूछे कि राधा अष्टमी का मेला किस संप्रदाय से संबंधित है तो ध्यान देना, ये संप्रदाय है निंबार्क संप्रदाय। किससे संबंधित है? निंबार्क संप्रदाय। ये मेला जो है निंबार्क संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला माना जाता है, क्योंकि निंबार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। तो ये था आपकी राधा अष्टमी। अब हम बात करते हैं राधा अष्टमी के बाद में अगला जो त्योहार है, वापिस अपन लाइन को देखते हैं कि हर गणेश ऋषि हैं, तो हर गणेश ऋषि हैं तो राधा तेजा, राधा तेजा, तेजा तेजा से अगला त्योहार हो जाएगा आपके तेजा दशमी। कौन सा त्योहार हो जाएगा? तेजा दशमी। तेजा जी लोक देवता थे, आप सबको पता है, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तेजा जी लोक देवता, तेजा जी लोक देवता थे, और इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था, और बाद में अपने वचन के कारण इन्होंने एक सांप से कटवाया था, और सांप के काटने से जो है इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी? भाद्र शुक्ल दशम। कब हुई थी? भाद्र शुक्ल दशम। इसीलिए भाद्र शुक्ल दशम को हम क्या कहते हैं? तेजा दशमी, तेजा दशमी कहते हैं। तेजा दशमी तेजा जी के निर्वाण दिवस या मृत्यु दिवस के रूप में मनाते हैं। तो तेजा जी के जो मंदिर है उसमें इस दिन मेले भरे जाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं मेलों में कि कौन कौन से मेले भरे जाते हैं, तो बात करेंगे, एक तो हम लिखेंगे तेजा जी के मेले, तेजा जी के मेले, तेजा जी के मेले। अब तेजा जी के मेले जो हैं वो तेजा जी से संबंधित जो स्थान है वहां पर तेजा जी के मेले भरे जाते हैं। अब कहां भरे जाते हैं वो हम बात करते हैं। देखिए तेजा जी, वैसे तेजा जी के बारे में हम लोक देवता टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे, फिर भी हम इंपॉर्टेंट बातें लिख देते हैं। तेजा जी का मेला जहां इनका जन्म हुआ, एक है खरनाल, खरनाल है आपके नागौर में, खरनाल कहां पे है? नागौर में। एक मेला भरा जाता है पर्वतसर, पर्वतसर, पर्वतसर में जो है ये पशु मेला है। ये कौन सा मेला है? पशु मेला पर्वतसर में भरा जाता है, तेजा पशु मेला इसे कहते हैं। तेजा पशु मेला कहां भरा जाता है? पर्वतसर। और इसकी विशेषता ये है कि राजस्थान में जितने भी पशु मेले भरे जाते हैं उनमें आय की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? आय की दृष्टि, आय की दृष्टि से ये जो पशु मेला है ये सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो अगला जो है वो अपन बात करते हैं, एक गांव है शेंद्रिया। कौन सा गांव है? शेंद्रिया। ये शेंद्रिया गांव जो है ये आपके अजमेर में है, और यहाँ पर जो है तेजा जी को नाग ने डसा था, इसलिए तेजा जी का प्रमुख स्थान है। एक स्थान है सुरसुरा,
ये भी तेजा जी का स्थान है क्योंकि नाग के डसने से, ये श्रुतेंद्रिया के पास में ही है, नाग के डसने से यहाँ तेजा जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो ये भी तेजा जी का प्रमुख स्थान है। तो तेजा जी से संबंधित ये कुछ जो आपको है स्थान याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा एक आपके हैं बांसी दुग्गारी आपके कहां पे हैं, तो हम बात करेंगे बूंदी में, बांसी दुग्गारी में भी इनका मेला भरा जाता है। तो ये तो तेजा जी से संबंधित मेले भरे जाते हैं। भाद्र शुक्ल दशम के दिन जो है मारवाड़ में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, या अपन कह सकते हैं एक मेला और भरा जाता है जिसको हम कहते हैं खेजड़ली शहीद मेला। आप सभी को पता होगा खेजड़ली शहीद मेला। तो खेजड़ली शहीद मेला जो है ये कब भरा जाता है, भाद्र शुक्ल दशम को जो है खेजड़ली शहीद मेला भरा जाता है। कहां भरा जाता है, तो हम कहेंगे खेजड़ली है आपके जोधपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है ये पूछते हैं, खेजड़ली शहीद मेले का संबंध किससे है, तो यहां हम लिख देंगे अमृता देवी विष्णोई, जिनको हम याद करते हैं, और एक मेला भरा जाता है खेजड़ली शहीद मेला। अमृता देवी विष्णुई संप्रदाय की महिला है। विष्णुई संप्रदाय जो है वो प्रकृति प्रेमी होता है, आपको पता है, अपन बात भी करेंगे आगे संत संप्रदायों में, और विष्णुई संप्रदाय के लोग जो है वो पेड़ों से और वन्य जीवों से प्रेम करते हैं, और जो वन्य जीव होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। अब अमृता देवी की ये घटना जो है, ये घटना आपके हैं 1730 ईस्वी की, कब की है 1730। मारवाड़ का राजा था आपके अभय सिंह ने अपनी सेना भेजकर और वृक्ष काटने का आदेश दिया था। खेजड़ली वृक्ष बड़ी मात्रा में काटे जा रहे थे, तभी अमृता देवी ने अपने परिवार के साथ कुल 363 लोगों के साथ, कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, 363 लोगों के साथ जो है वो खेजड़ी या वनों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा माना जाता है कि जब सैनिकों ने नहीं मानी विष्णुई संप्रदाय या अमृता देवी की बात, कि उन्होंने कहा कि राजा का आदेश है और हम तो वृक्ष जो है वो काट के ही रहेंगे, तब ऐसा माना जाता है कि सभी विष्णुई संप्रदाय के लोग जो है वो वृक्ष से चिपक गए और लोगों को भी पेड़ों के साथ में काट दिया गया। उन्हीं की याद में, अमृता देवी विष्णुई की याद में जो है ये मेला भरा जाता है, जिसको हम कहते हैं खेजड़ली शहीद मेला। खेजड़ली गांव जोधपुर में भरा जाता है। कब भरा जाता है, तो भाद्र शुक्ल दशम। किसकी याद में भरा जाता है, तो अमृता देवी विष्णुई। कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी, 363 लोगों ने। घटना कब की है, 1730 की है, और मारवाड़ का राजा कौन था, अभय सिंह। जोधपुर का राजा था अभय सिंह। तो ये दो मेले जो है वो भाद्र शुक्ल दशम को भरे जाते हैं, जिसको हम तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं। भाद्र शुक्ल दशम को जैन संप्रदाय का एक त्योहार मनाते हैं, वो जैनों में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं सुगंध दशमी, वो वैसे अपन बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं तेजा दशमी के बाद में अगला त्योहार है, ध्यान रखिए, वापिस अपन रिपीट करते हैं लाइन को, हर गणेश ऋषि हैं तो राधा तेजा और देव झूले अनंत। देव झूले मतलब अगला त्योहार जो है वो है आपके देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी भाद्र में, और भाद्र की शुक्ल पक्ष एकादशी ग्यारस। देखिए मैं आपको यहां एक बता देता हूं, देवताओं से संबंधित 3 ग्यारस है। 1 ग्यारस है आपके आषाढ़ में, आषाढ़ शुक्ल ग्यारस, इसे कहते हैं देव शयनी ग्यारस। क्या कहते हैं, देव शयनी ग्यारस, मतलब देवता क्या करते हैं, देवता छुट्टी पर चले जाते हैं, सो जाते हैं। 3 महीने के लिए देवता, सॉरी 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल ग्यारस को जो है देव शयनी ग्यारस होती है, और इसके 2 महीने बाद, मतलब भाद्र में बात करें जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, भाद्र शुक्ल ग्यारस में इसको अपन कहते हैं देव झूलनी, या कहते हैं इसको जल झूलनी
क्या कहते हैं, जल झूलनी, देव झूलनी या जल झूलनी ग्यारस। इस दिन देवता क्या करते हैं, स्नान करते हैं और झूले झूलते हैं, झूले झूलते हैं, झूले झूलते हैं, स्नान करते हैं, झूले झूलते हैं और वापिस सो जाते हैं। और फिर जो है ये 2 महीने बाद उठते हैं, मतलब कार्तिक। कब उठते हैं, कार्तिक शुक्ल ग्यारस, जिसको हम कहते हैं देव उठनी, देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस मतलब देवता 4 महीने के लिए जो सोए थे, आषाढ़ शुक्ल ग्यारस को सोए थे और अब जो है देवता वापिस क्या करेंगे, उठ जाएंगे। देवता उठ जाते हैं, देवता क्या करते हैं, देव उठ जाते हैं, देव उठ जाते हैं, इसलिए देव उठनी ग्यारस कहते हैं। अब आषाढ़ शुक्ल ग्यारस से लेकर और कार्तिक शुक्ल ग्यारस के बीच में 4 महीने होते हैं और इसी 4 महीने को हम कहते हैं चौमासा। क्या कहते हैं, चौमासा, या कहते हैं चतुर्मास, चतुर्मास। और ऐसा माना जाता है कि चौमासे और चतुर्मास में जो है वो मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, हमने बात की थी। अब देखिए आषाढ़ के सिर्फ 4 दिन ही होते हैं, इसलिए मैंने कल आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि चौमासे में मूल रूप से जो 4 जो महीने आते हैं वो आषाढ़ के 4 दिन ही होते हैं। फिर आता है आपका श्रावण पूरा, श्रावण पूरा आता है चौमासे में, श्रावण के बाद में भाद्र आता है, भाद्र के बाद में आता है आपके आश्विन आता है और आश्विन के बाद में आता है कार्तिक। तो ध्यान रखना ये 4 महीने मुख्य रूप से जो है वो किसमें आते हैं, वो चौमासे में आते हैं। तो चौमासा मतलब मांगलिक कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। तो ये था आपके ये 4 जो है, 4 आप बना लेना, इसको याद कर लेना। 3 बातें हैं, आषाढ़ देव शयनी ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस और देव उठनी ग्यारस। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम, देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी की बात करते हैं। अब देखिए देव झूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल ग्यारस, देव झूलनी मतलब इस दिन क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि देवता जो है वो स्नान करते हैं। क्या करते हैं, स्नान किससे करते हैं, जल से करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जल, जल झूलनी, जल झूलनी ग्यारस, देव झूलनी ग्यारस, या इसको जल झूलनी ग्यारस भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है ऋतु के हिसाब से हम बात करें तो ये जो है ये वर्षा का, ये जो वर्षा बरसात होती है ना, तो वर्षा का अंतिम दिन होता है। क्या होता है, अंतिम दिन, मतलब भगवान इंद्र जो है इस दिन क्या करते हैं, देवताओं को स्नान करवाकर और बारिश करना बंद कर देते हैं। बारिश ऋतु का यह अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन क्या करते हैं, घरों में जो है देवी देवताओं के जो मंदिर हैं उनमें क्या करते हैं, उनको जो है गंगा जल से नहाते हैं, सही क्या सफाई करते हैं या उनको नहलाते हैं और फिर जो है वो क्या करते हैं, इनकी झांकियां निकालते हैं। इस दिन ये देवता सोए, देवता स्नान किए, देवता उठे, इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु सोते हैं, भगवान विष्णु झूला झूलते हैं और भगवान विष्णु ही जो है वो उठते हैं। और इसको हम कह सकते हैं 4 महीने जो सो जाते हैं मतलब भगवान विष्णु बैकुंठ पधार जाते हैं आराम करने के लिए। तो इस दिन जो है कुछ मेले भरे जाते हैं, कुछ मेले जो हैं वो भरे जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस दिन झांकियां निकाली जाती हैं। इस दिन क्या करते हैं, देवी देवताओं की झांकियां किसमें निकालते हैं, तो हम बात करते हैं बेवाण। ये बेवाण क्या है, बेवाण जो है ये होते हैं देव विमान। क्या होते हैं, देव विमान किसके बने होते हैं, लकड़ी के, लकड़ी के देवताओं के विमान बने होते हैं जिसमें मूर्तियां रखकर और जो है वो झांकियां निकाली जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बेवाण। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि बेवाण में देव देवी देवताओं या देवताओं की झांकियां जो है वो कब निकाली जाती हैं, तो कब निकाली जाती हैं, देव झूलनी एकादशी के दिन, मतलब भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन निकाली जाती हैं। इस दिन कुछ मेले भरे जाते हैं, इनकी हम बात करते हैं। मेलों की बात करें, देव झूलनी एकादशी के दिन कौन से मेले भरे जाते हैं, तो मेले जो है पहला मेला देखिए सांवरिया जी का मेला, सांवरिया या सांवलिया, सांवलिया जी का मेला, सांवलिया जी का मेला जो है कहां भरा जाता है, तो हम बात करेंगे मंडपिया। और मंडपिया कहां पे है, मंडपिया है आपके चित्तौड़,
चित्तौड़ यहां कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, सांवलिया जी कहा जाता है। विशेषता ध्यान रखना कि यहां पर जो है कृष्ण को जो है अफीम चढ़ाई जाती है, प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती है। कहां पे? सांवलिया जी के मंदिर, सांवलिया जी का मंदिर या मेला कहां पे है? मंडपिया चित्तौड़ में। एक मेला और भरा जाता है, इसका नाम है आपके चार भुजा नाथ मेला। चार भुजानाथ, भगवान कृष्ण या विष्णु का चार भुजा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर है आपके गढ़बोर है राजसमंद। गढ़बोर कहां पे है? राजसमंद। तो चार भुजानाथ जी का मेला जो है वो गढ़बोर राजसमंद में। एक बात आपको मैं और बता दूं, एक चार नाथ मीरा मंदिर भी बना हुआ है। अगर पूछे चार भुजा मीरा मंदिर कहां पे है, तो आप ध्यान रखना चार भुजा मीरा मंदिर जो है वो है मेड़ता है आपके नागौर में। चार भुजा मीरा मंदिर मेड़ता नागौर में। चार भुजा नाथ जी का मंदिर जो गढ़बोध राजसमंद में है, जहां पर ये मेला भरा जाता है। चार भुजा मीरा मंदिर मेड़ता नागौर, ये मीरा के लिए, मीरा के दादा राव दूदा ने जो है मंदिर बनाया था, चार भुजा मीरा मंदिर। तो ध्यान रखना चार भुजा नाथ गढ़बोर, चार भुजा मीरा मंदिर मेड़ता नागौर। तो ये दूसरा मेला भरा जाता है। एक मेला और भरा जाता है, इसका नाम है डोल यात्रा उत्सव मेला। ये भरा जाता है आपके बारा, डोल यात्रा उत्सव मेला बारा। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर भगवान बारा में मंदिर बना हुआ है श्री जी का। श्री जी भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। श्री जी का जो है वो क्या है, मंदिर बना हुआ है श्री जी का, भगवान श्री जी का मंदिर है। तो श्री जी के मंदिर से जो है एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है, और कुछ ही दूरी पर जो है डोल नामक एक तालाब है। डोल तालाब में जो है इस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है डोल यात्रा उत्सव मेला। कहां भरा जाता है? बारा। देखिए मित्रों, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि डोल यात्रा उत्सव मेला ये है, और एक उससे समानता रखने वाला एक मेला और है, जिसको अपन कहते हैं फूल डोल महोत्सव मेला। ये मेला अलग है, ध्यान रखना। फूल डोल महोत्सव मेला ये भरा जाता है आपके शाहपुरा में। कहां भरा जाता है? शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो शाहपुरा में फूल डोल महोत्सव मेला है, और ये मेला जो है जो कब भरा जाता है, भाद्र शुक्ल 11 को, वो है डोल यात्रा उत्सव मेला। तो ये और वो मेला अलग है। फूल डोल महोत्सव मेला शाहपुरा में, और ये किस संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय का मेला है। और ये आप अगर अपन आगे पढ़ेंगे, चैत्र कृष्ण एकम के दिन भरा जाता है फूल डोल महोत्सव मेला। ठीक है, वो फूल डोल महोत्सव है, यहां पर जो है डोल यात्रा उत्सव मेला। तो हम ध्यान दीजिए, यहाँ पे देव झूलनी एकादशी, मतलब देवता स्नान करते हैं जल से, इसलिए जल झूलनी एकादशी कहते हैं। वर्षा का ये अंतिम दिन होता है। बेवाण जो लकड़ी के विमान होते हैं उसमें झांकियां निकाली जाती हैं। यहाँ मेले भरे जाते हैं, मुख्य रूप से तीन मेले याद रखना। सांवलिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़ में भरा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर विशेषता ये है कि अफीम चढ़ाई जाती है सांवरिया जी को। चार भुजानाथ का मेला गढ़बोर राजसमंद में है, और डोल यात्रा उत्सव मेला जो है वो बारा श्री जी की शोभा यात्रा या झांकी निकाली जाती है, बारा में भरा जाता है। अब हम बात करते हैं अगला त्योहार। तो ये तो हो गया देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी। देव झूलनी और जल झूलनी एकादशी के बाद में जो अगला आपके जो त्योहार आता है उसका आपको नाम ही याद रखना, बाकी कुछ है नहीं। अनंत चतुर्दशी आपके होती है भाद्र शुक्ल और चतुर्दशी। तो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन जो है व्रत किए जाते हैं, और व्रत करने से जो है अनंत लाभ होता है। अब देखिए चतुर्दशी, इसका अगला दिन जो होता है सामान्य बात अपन करते हैं पूर्णिमा। अगला दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा। लेकिन पूर्णिमा जो है, यहाँ पूर्णिमा को कोई त्योहार नहीं मना जाता, लेकिन पूर्णिमा आपको पता है कि हर पूर्णिमा लगभग जो है इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये उजाले पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है, बड़ा दिन होता है। लेकिन यह पूर्णिमा जो है अशुभ माना जाता है। अशुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि पूर्णिमा को जो है वो क्या प्रारंभ हो जाते हैं, होते हैं श्राद्ध। क्या प्रारंभ हो जाते हैं?
श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। पितरों की पूजा के लिए एक पक्ष, एक पखवाड़ा बनाया गया है जो पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और चलता है आपके आश्विन अमावस्या तक। पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक जो है वो 16 दिन का जो है श्राद्ध पक्ष होता है। इस दिन पितरों की पूजा की जाती है, पिंड दान किए जाते हैं, जो है कुओं को भोजन खिलाया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तो ये था आपके भाद्रव में मनाए जाने वाले त्योहार। तो भाद्रव के त्योहार जो है हमने पढ़े। भाद्रव के बाद में जो है अगला महीना कौन सा आएगा, तो हम बात करते हैं कि अगला महीना जो है वो है आपके आश्विन माह। कौन सा महीना है? भाद्रव के बाद में आश्विन माह। इस आश्विन माह को हम जो है वो आशू भी कहते हैं, हमने पढ़ा था, इसको आशोज भी कहते हैं, आशू या आशोज भी कहा जाता है। देखिए आश्विन महीने के त्योहारों के लिए ये लाइन लिखी हुई आपको याद करनी है। अश्विन के श्राद्ध व नवरात्रि में दुर्गा को महादशहरे पर सर्दी राश आए। आश्विन तो महीना हो जाएगा जिसके ये त्योहार हैं। श्राद्ध से क्या हो जाएगा? श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध से हो जाएगा श्राद्ध पक्ष। तो हमने बात की श्राद्ध पक्ष जो है मूल रूप से भाद्र पूर्णिमा से कहां तक होता है? आश्विन अमावस्या। ये श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। श्राद्ध पक्ष की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां हम श्राद्ध पक्ष की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात आगे बढ़ते हैं। देखिए ये श्राद्ध पक्ष कुल 16 दिन का होता है। 16 दिन जो है पितरों की पूजा करते हैं। ये आप सबको याद रखना है कि श्राद्ध पक्ष या कितने दिन का श्राद्ध होता है? 16 दिन का। देखिए 16 श्राद्ध, नव नोरता, दशे दशहरा और 20 दिवाली, ये अपने यहाँ की एक कहावत है। 16 श्राद्ध नोरते कितने होते हैं? 9। 16 श्राद्ध, नव नोरता, दशे दशहरा, नव नोरतों के बाद 10वां दिन जो है दशहरा होता है। दशे दशहरा और 20 दिवाली, दशहरे के 20 दिन बाद जो है दीपावली मनाई जाती है। तो श्राद्ध जो है वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब एक बात आपको विशेष यहां ध्यान रखनी है, तो श्राद्ध में अगर आए कि श्राद्ध किस महीने में मनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना आश्विन में, क्योंकि आश्विन का पूरा जो कृष्ण पक्ष है, आश्विन का जो पूरा कृष्ण पक्ष है वो श्राद्ध में चला जाता है। भाद्रवे का सिर्फ एक दिन ही होता है। श्राद्ध पक्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो कुंवारी कन्याएं पार्वती की आराधना में अच्छे वर की कामना के लिए घर की दीवारों पर जो है गोबर से, कोड़ियों से, मिट्टी से ज्यामितीय चित्र बनाती हैं, शुभ चित्र बनाती हैं, मांगलिक चित्र बनाती हैं। उन चित्रों को कहा जाता है सांझी। क्या कहा जाता है? सांझी चित्रण। क्या कहा जाता है? सांझी चित्रण। तो ध्यान रखना सांझी चित्रण या सांझी के चित्र कब बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। तो सांझी चित्र बनाए जाते हैं श्राद्ध में। कब बनाए जाते हैं? श्राद्ध में। किसकी आराधना में बनाए जाते हैं? तो ध्यान रखना पार्वती की आराधना में ये चित्र बनाए जाते हैं। पार्वती की आराधना में ये सांझी चित्र बनाए जाते हैं। सांझ के समय, इवनिंग के टाइम बनाए जाते हैं, इसलिए इनको सांझी कहा जाता है। प्रत्येक दिन 16 दिन तक ये चित्र कंटिन्यू बनाती हैं। क्या करती हैं ये पहले दिन बनाती हैं, दूसरे दिन उनको मिटाती हैं, फिर अगले दिन बनाती है, फिर मिटाती है, फिर बनाती है, फिर मिटाती है, फिर बनाती। 16 दिन तक यह चक्र चलता रहता है। लेकिन अंतिम दिन जो चित्र बनाया जाता है, मतलब अंतिम दिन कौन सा होगा श्राद्ध का? आश्विन अमावस्या के दिन जो चित्र बनाया जाता है वो चित्र मिटाया नहीं जाता, और अंतिम दिन बनाया जाने वाले चित्र को जो है हम कहते हैं संझाकूट। क्या कहते हैं? संझाकूट। ये भी ध्यान रखना कि संझी चित्रण का अंतिम चित्र जो होता है उसको संझाकूट कहा जाता है। एक बात यहां पर और ध्यान रखना कि केले की सांझी कहां बनाई जाती है या कहां की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना नाथ द्वारा। कहां पर है? नाथ द्वारा। श्री नाथ जी का मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहां पर जो है भगवान कृष्ण के जो है सांझी के मतलब चित्र बनाए जाते हैं। केले के पत्ते पर चित्र बनाकर झांकियां निकाली जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं केले की सांझी।
तो केले की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। केले की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पे है? नाथ द्वारा आपके हैं राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है और नाथ द्वारा जो है वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रधान पीठ मानी जाती है। तो यहां पर हमने बात किया श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध पक्ष के बाद में हम आगे बात करते हैं अगला त्योहार जो आपका है वो कौन सा है। तो श्राद्ध पक्ष के बाद अगला त्योहार जो है वो है नवरात्रि। नवरात्रि कब होती है? नवरात्रि आश्विन। नवरात्रि होती है आपके आश्विन शुक्ल एकम से शुक्ल नवमी तक। आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवमी तक जो है नवरात्रि मनाई जाती है। तो देखिए नवरात्रि जो है, नवरात्रि वैसे दो नवरात्रि आती हैं। यहां हम आगे पढ़ते हैं कि शरद पूर्णिमा आएगी, मतलब शरद ऋतु के पास आने के कारण इस नवरात्रि को हम नाम देंगे शारदीय, शारदीय नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। तो ये कौन सी नवरात्रि हो जाएगी? शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि आश्विन में आती है और आगे हम पढ़ेंगे एक चैत्र में आती है। चैत्र में बसंत ऋतु में आती है इसलिए उसको कहते हैं बासंतीय, बासंतीय नवरात्रि, बासंतीय नवरात्रि। तो देखिए बासंतीय नवरात्रि कब आती है? चैत्र में। जबकि शारदीय नवरात्रि कब आती है? तो शारदीय नवरात्रि आती है आश्विन में। आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक जो है वो नवरात्रि मनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों आज हमने ये आश्विन के बारे में और भाद्रव के बारे में कुछ बातें पढ़ी। नवरात्रि के आगे के जो त्योहार हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक जो है आप याद कर लेना। आशा करता हूं कि अध्ययन कार्य अच्छा लगा होगा। तो फिर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।